शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारे और गौरव के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो मैंने देखी भी और सुनी भी। तुम दोनों की इस लड़ाई में ना मेरी उम्मीद फिर से बढ़ गई गौरव को पाने की। ये दिया जलाने में तुमने मेरी मदद की ना, तो मेरा एक और काम कर दो। भगवान से ये प्रार्थना करो कि तुम और गौरव कभी एक दूसरे के बन ना सको। हमें माफ कर देना, वो हमारा ध्यान नहीं था, वो गलती से। चीजें बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता। बिगड़ी हुई चीजों को जितना सुधारने की कोशिश करते हैं वो और बिगड़ती जाती है। तुम वैसे ही बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो, अब सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। हे माता रानी, आज आपका आगमन हो रहा है। जो कुछ भी बिखर रहा है, टूट रहा है हमारी जिंदगी में, उसे सहने की शक्ति देना हम। पापा की नजर में मैं और तू निकम्मे और नकारे हैं। उनको लगता है कि मैं और तू कुछ कर ही नहीं सकते, वो हम पे विश्वास ही नहीं करते। उनकी नजर में तो बस उनका ये दामाद गौरव ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं। दामाद नहीं भैया, दो कौड़ी का ड्राइवर। रातों रात वो उर्वशी दीदी से शादी करके इस घर का दामाद बन बैठा। इससे पहले कि वो हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी भी हथिया ले, हमें उसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो सोचना होगा भैया। एक काम करते हैं, गौरव को जहर दे देते हैं और उसको घर की छत से नीचे फेंक देते हैं। इतनी ऊंची छत से नीचे गिरेगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। प्लीज भाभी, आप ना आपकी इस ख्याली दुनिया से ना पहले बाहर आ जाइए, और जो आप सीरियल्स देखते हो ना वो देखना थोड़ा सा कम कर दीजिए। हम ना रियल लाइफ में 2 मिनट में पकड़े जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बिना नारियल फोड़े हम सारा पानी बाहर निकाल लें। रॉनी एकदम सही कह रहे हैं, हमें गौरव को मम्मी और पापा की नजरों में चरित्रहीन साबित करना होगा, उसको उनकी नजरों में गिराना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लगे गौरव और गहना का अफेयर चल रहा है। उर्वशी तो भड़केगी और पापा ही भड़केंगे, क्योंकि पापा कभी बर्दाश्त तो कर नहीं पाएंगे कि उनका लाडला दामाद उनकी लाडली बेटी को धोखा दे रहा है, वो भी सबूत के साथ। ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। समझो हमारे बाएं हाथ का खेल, तुम बस देखते जाओ। गौरव और गहना दोनों इस घर से नवरात्रि के 9 दिनों में कैसे आउट होते हैं? बोलो फिर। जय माता दी। जय माता दी। गहना बेटा, आरती शुरू करो। आरती का थाल वहीं पे। गहना बिटिया, आरती शुरू करो। ये गौरव और गहना ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं। देख रही हैं उर्वशी दीदी, जिस लड़की को आपने अपना असिस्टेंट बनाया उसने डिजाइनर बनके आपको ही कंपटीशन में हरा दिया, और अब देख रही हैं क्या कर रही हैं, सबको अपने ही रंग में रंगती जा रही हैं। आज तो गौरव के साथ साथ प्रिंस को भी अपने रंग में रंग लिया, कहीं डिसाइड करके तो लाल कलर नहीं पहना। ये क्या बकवास बातचीत चल रही है यहाँ पे? आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ दुर्गा का रंग लाल है आज। हमें तो लगता है हम सबको आज लाल ही पहनना चाहिए था। अब आरती शुरू करें ताकि उसके बाद हम अपने काम को कर सकें। आज की आरती मैं और गौरव करेंगे। अरे लेकिन बेटा, तुम्हें मंत्र बोलने नहीं आएंगे। गहना,
बेटा तुम शुरू कर दो। कोई बात नहीं बड़ी मेम साहब, उर्वशी मेम साहब को आरती करने का मन है तो मन को क्यों मारना। आप और गौरव आरती कर लीजिए, हम यही बगल में खड़े रहकर मंत्रोच्चार कर लेंगे। और गौरव इसी में से शेयर करके खाएंगे। मम्मी पापा को प्रसाद खिला रही हैं। इस बार हम प्रसाद दो बार खाएंगे। वो क्या ना कि हलवा हमको बहुत पसंद है और जब हलवा आपने बनाया हो तो टेस्ट तो डबल होना ही था। लाइए लाइए। क्या बात है मैडम, सब ठीक है? सब कुछ ठीक होता तो हम यहाँ आते नहीं महेंद्र चौधरी जी, और आते भी तो पहले नमस्कार करते, लेकिन अब बाद में कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। कहिए। आपकी जान को खतरा है। ये देखिए, ये आज सुबह ही मुझे किसी ने भेजा है, आपका फोटो जिसपे हार चढ़ा हुआ है, और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, डेथ ईयर 2023। इसीलिए हमने आपके घर के बाहर दो हवलदार तैनात रखे हुए हैं, क्योंकि हमें ऊपर से आदेश है कि आपकी सुरक्षा का अच्छी तरह से इंतजाम किया जाए और सब पे नजर रखी जाए। और ये देखिए, वो जो भी है उसके पास आपके घर के कोने कोने की डिटेलिंग है, वो सब जानता है और वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है। हमें शक है कि इसी घर का कोई तो सदस्य है जो इसी घर में रहकर सारी इंफॉर्मेशन बाहर भेज रहा है और छोटी सी छोटी बात को भी लीक कर रहा है। इसीलिए हम इस घर में रहने वाले सारे सदस्यों की पूछताछ करेंगे, पर हाँ, फैमिली मेंबर्स की नहीं। आप कौन? एक्सक्यूज मी, आप इनसे क्यों पूछ रही हैं? ही इज माय हस्बैंड। माफ कीजिएगा,
नमस्कार सर। नमस्ते। ए लड़की, तुम कौन हो? इधर आओ। इनकी तारीफ ये है कि ये इस घर की नौकरानी है, और अगर अच्छे शब्दों में कहें तो हेल्पर। अच्छा, हेल्पर, तब तो आपकी हेल्प जरूर करनी पड़ेगी। मेरा मतलब है इनकी तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नौकरानियां आजकल बहुत बड़े बड़े कांड कर रही है। तो कागजी तलाशी कर लें। मेरा मतलब है आपका आधार कार्ड लेके आइए, अगर आपकी शादी हुई हो तो शादी का सर्टिफिकेट लेके आइए। शादी की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है गहना, अपना आधार कार्ड लेकर आओ। हाँ चलेगा, उसमें बाप का नाम होता है। सुनो मनोज, बाप का नाम, गांव का नाम, सब कुछ लिखना विस्तार पूर्वक। जी मैडम। वो आप जो कह रहे हैं वो हमारे पास तो है ही नहीं। नहीं है का क्या मतलब? सर ये क्या हो रहा है, बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे, बिना इंक्वायरी किए आपने ऐसी नौकरानी को काम पे रख लिया? सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग देख क्या रहे हो, इसे ले चलो थाने। रुकिए मैडम, ये हमारे परिवार की सदस्य है। आपकी जान को सचमुच खतरा है, आप अपनी सुरक्षा पे ध्यान दीजिएगा, वरना ऐसी नौकरानियां आपको महंगी पड़ेगी। चलो। बड़ी मेम साहब, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, हम साहब जी को कुछ नहीं होने देंगे। माता रानी है, हम उनसे प्रार्थना करें, और उसके साथ साथ नवरात्रि के इस 9 दिन में हम उपवास भी रखेंगे, और साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे इस 9 दिन के उपवास का सारा पुण्य आपको मिले। हम समझ सकते हैं बेटा, कोई कैसे सोच सकता है कि तुम हमें नुकसान पहुंचा सकती है? तुम हमारे घर की सदस्य हो। हे महादेव, ये कैसी जिंदगी है, हम अपने पिता के घर में हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पिता को पिता नहीं कह सकते, अपनों को अपना नहीं कह सकते। अपने पिता के घर में हमारी जगह सिर्फ एक नौकरानी की है, और हम चाहे कितना भी कुछ करें लेकिन फिर भी हम अपनी जगह कभी नहीं बदल सकते। हमें इस घर में बेटी की जगह कभी नहीं मिल पाएगी। मिलेगी, बेटी का दर्जा भी और इस घर में जगह भी। ना सच कहें तो ये बदलती हुई दुनिया, लेकिन ये अपने आप कुछ नहीं बदलता, लेकिन आपने बदला है अपने आप को। आप एक विनिंग डिजाइनर हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात इस घर में आपकी जगह की, वो आप कभी भी ले सकती हो, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, अपने हक से पहले अपने फर्ज को आगे रखती हो। अपने पिता को पाने के लिए उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, और ये बहुत गर्व की बात है कहना। कभी हमारी बेटी हुई ना, हम चाहेंगे वो बिल्कुल आप जैसी हो। इतनी परेशान क्यों? क्यों परेशान ना हो, ऐसी जान लेगा धमकियां मिल रही है आपको, और हम परेशान ना हो। मान लिया कि तुम्हें परेशान होना चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, तुम इतने वर्षों से हमारे साथ हो,
जानती हो कि हम राजनीति में हैं, चुनाव का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में ये खोखली धमकियां मिलती रहती हैं। बस हमें गहना के लिए बुरा लग रहा है। हाँ, ये बात तो सही है। उस लड़की ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत एहसान है उसके हम पर। कभी कभी ऐसे लगता है कि उसका हमसे इस घर से पुराना रिश्ता है। लोग भले ही उसे एक नौकरानी समझे, लेकिन उसने हम सबके लिए इतना किया है कि उसे नौकरानी कहते हुए अच्छा नहीं लगता। और हमने भी क्या किया उसके लिए, हम तो कहते रहते हैं कि घर की बेटी जैसी है बेटी है, लेकिन बेटियों जैसा हमने उसके लिए कुछ नहीं किया। मतलब ये कि वो यहाँ पर अपने पति को ढूंढते हुए आई थी और ये बात हम सबको पता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। हम ये कह रहे थे कि आपके तो इतने जान पहचान है, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उसके पति को ढूंढ दीजिए ना, अगर उसका पति मिल जाता है तो उसके साथ सुख शांति से रह पाएगी। कब तक इस तरह भटकती रहेगी वो? सच कहें तो हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें तुम्हारे जैसी पत्नी मिली, जो सबका इतना ख्याल रखती है। तुम सही कह रही हो, हम कल ही गहना के पति का पता लगाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहां बैठे। सच बात तो ये है कि अब हम सबकी नहीं सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सिर्फ आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। घर के लॉकर की चाबी, घर की चाबियां सब किसी को देकर इस जिम्मेदारियों से मुक्ति पाना चाहते हैं। कहना बेटा, अब देखना हम तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कुछ करके दिखाएंगे, ये वादा है एक पिता का अपनी बेटी से। प्रिंस को हल्दी वाला दूध पीकर सुला देते। हाँ, वो पोस्टर्स और बैनर भिजवा दीजिए। हाँ ठीक है। गौरव, पानी पी। गौरव, बात को समझो, पानी पी। गौरव, पानी पीने में क्या कर सकते, तुम्हें पानी पियो गौरव। क्या हुआ गौरव, तुम ठीक हो? ये लो पानी पी लो। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? थोड़ा ठीक लग रहा है मैं। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो मुझे भी ठीक लग रहा है। जब तुम्हें आराम मिलता है तब मुझे भी आराम मिलता है। चलो। गौरव, बात को समझो, पानी पी लो। क्या बात है कहना, उल्टे फेरे लेने के बाद भी हमें तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों कहना, क्यों? अगर तकलीफ हो रही है तो तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों हमें अपने पास आने से रोक रही हो? क्यों हमें अपने आप से दूर कर रही हो?
पूरी तरह से आजाद हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए तुमने हमारे रास्ते अलग कर दिए गुरु। अब अगर जिंदगी में हम मरने की कगार पर भी आए ना तो हमारे पास ये क्या कर रही है? तुम्हें जरूरी काम से जाना है। जरूरी? अपनी पत्नी से ज्यादा जरूरी क्या है गौरव? आज मैंने ब्रेकफास्ट के टेबल पे वंश को नाश्ता सर्व किया, क्या तुम्हें जरा सी भी जलन नहीं हुई? अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूँ ना गौरव, तो मुझे जलन होती है तो तुम्हें क्यों नहीं? किसने कहा कि हमें जलन नहीं हुई थी? हमें जलन होती है, तकलीफ होती है, हमें खून खौलता है हमारा। हमें तकलीफ होती है क्योंकि आप हमारी हैं, सिर्फ हमारी और किसी की नहीं। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।